एक्चुअली मैंने खुद किया इस फिल्म में. जब मैंने फिल्म साइन की, आई थिंक आई वॉज टोल्ड दैट लिसन समीरा, आई डोंट वॉन्ट एनी नखरा वखरा ऑफ एन एक्ट्रेस. और ये नहीं कि स्टंट, यू नो द स्टंट मैन विल डू एवरीथिंग. तो मैं खुद अपने स्टंट्स की, वेदर इट्स द बाइक्स और द वाइट वाटर राफ्टिंग और इवन यू नो इन 2 डिग्री वाटर आई हैव गॉन एंड सबमर्ज माई सेल्फ फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स, जिससे ऑलमोस्ट मुझे हाइपोथर्मिया हुआ. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था बाइक सीखने के लिए. और आई रिमेम्बर कि व्हेन द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि समीरा सी यू टू राइड अ बाइक, आई सर अच्छा मैं स्कूटी चला सकती हूँ. स्कूटी पे बैठ के फट मैं गिर गई. तो मैं सर ओहो शिट, अगेन आई सैट, अगेन आई फेल डाउन. 4 बार, 4 दिन के बाद इट वॉज लाइक माई प्रोड्यूसर वॉज टोल्ड कि सॉरी समीरा बाइक नहीं चलाएगी. सो आई वॉज थिंकिंग यार मैं स्कूटी क्यों नहीं चला सकती हूँ. देन आई वेंट एंड आई जस्ट सैट ऑन द बिग बाइक, यू नो वन ऑफ दोज प्रॉपर लाइक 250 cc वंस, एंड आई स्टार्टेड टू राइड बिना कुछ सोच समझ के. आई थिंक वो डर था लेकिन मिट गया एंड आई जस्ट स्टार्टेड टू राइड द बाइक. सो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन फॉर मी वॉज स्पेशली द बाइक, क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ स्टंट्स ऑन दैट बाइक एंड आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी इन दिस फिल्म. समीरा बहुत बहुत मुबारक हो, गाड़ी चलाना सीख लिया आपने. अब किसको बॉलीवुड में, किसी एक को अगर आप ले जाना चाहेंगे राइड पे, तो किसको ले जाना चाहेंगे? इतने सारे हैंडसम हीरोज हैं, बट आई ऑलवेज से व्हाई नॉट आई विल टेक सलमान भाई, आई विल बी हिज बॉडीगार्ड फॉर इंस्टेड ऑफ हिम बीइंग माइन. नाम जब आते हैं तो वन वर्ड में बताइएगा कि आपके जहन में कौन सा वर्ड याद आता है. अजय देवगन. अजय देवगन, असली सिंघम. अनिल कपूर. अनिल कपूर माय लकी चार्म. कंगना रनौत. कंगना अनप्रेडिक्टेबल. जायद खान. प्रैंकस्टर. मल्लिका शेरावत. लैला. समीरा रेड्डी. समीरा रेड्डी. इस फिल्म में सबसे एज इन द हाईलाइट हैज़ बिन द स्टंट्स, लेकिन एक्चुअली एक काफ़ी इमोशनल साइड भी है इस फिल्म के, वेर इन अजय, मी एंड जायद आर 3 गाइज. गाइज वी आर अ टीम विच वी आर इलीगली देयर इन ब्रिटेन. और जिस तरह से एक बहुत इमोशनल सा स्टोरी लाइन है, जिससे आई मीन विच पुशेज अस टू डू समथिंग लाइक ऑलमोस्ट पुट बॉम्ब ऑन द ट्रेन, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन है. और द स्टंट्स इज ऑफकोर्स द हाईलाइट फॉर वॉट माई कैरेक्टर हैज़ इन दिस फिल्म. इट शी इज इलीगली लिविंग इन ब्रिटेन, और जिस तरह से वो पकड़ा जाती है एंड देन हाउ हर लाइफ चेंजेस एंड इट्स ऑल फ्लैश बैक, हाउ अजय सेव्स हर, एंड आई कॉन्ट टेल यू मोर देन दैट, क्योंकि फिर आप थिएटर नहीं जाओगे. वेल एक्चुअली इस फिल्म का एक ही है कि इवन कंगना हैज़ अ लव सॉन्ग विच इज़ अ बैकड्रॉप लव सॉन्ग, नोबडी सिंगिंग. ये फिल्म काफ़ी एक हॉलीवुड यू नो लुक है इस फिल्म का, कोई गाना नहीं है. इनफैक्ट राहत फतेह हैज़ सिंग सॉन्ग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, लेकिन एक बैकग्राउंड का गाना है.